हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। विवेक ओब्रॉय की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। कहा जा रहा था कि बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत का फायदा इस फिल्म को जरूर मिलेगा, और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। जहां फिल्म ने पहले दिन लगभग 2,88,00,000 रुपए की कमाई की थी, वहीं फिल्म ने दूसरे दिन 3,76,00,000 रुपए का कारोबार किया है। फिल्म के दूसरे दिन कमाई के मामले में थोड़ा उछाल देखने को मिला है। वहीं अब लीजिए फिल्म के तीसरे दिन की कमाई भी सामने आ गई है। फिल्म ने तीसरे दिन 5,12,00,000 रुपए की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर 11,76,00,000 रुपए की कमाई कर डाली है। भले ही क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हों, लेकिन दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आ रही है। फिल्म में विवेक ओब्रॉय ने पीएम मोदी का किरदार बखूबी ढंग से निभाया है। उमंग कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर विपक्ष ने काफी विवाद किया था। 12 अप्रैल को रिलीज होने वाली इस फिल्म की रिलीज डेट बार बार बदली गई, 12 अप्रैल से 5 अप्रैल, फिर 11 अप्रैल, लेकिन चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के खत्म होने तक फिल्म पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद इस फिल्म को 24 मई को रिलीज किया गया। बता दें कि इस दिन अर्जुन कपूर की फिल्म इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड भी रिलीज हुई। फिल्म ने तीसरे दिन 3,53,00,000 रुपए की कमाई की है। इसी के साथ अर्जुन की इस फिल्म में वीकेंड पर 8,66,00,000 रुपए कमा डाले हैं। कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी की बायोपिक अर्जुन की इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड को बार बार मात दे रही है। वीकेंड कलेक्शन के मामले में भी अर्जुन की फिल्म पीछे रह गई है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक आने वाले दिनों में कितने करोड़ों का कारोबार करती है। वैसे आपको इन दोनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलो, थैंक यू सो मच। डबल विन हो गया, और यू नो थंपिंग विक्ट्री है मोदी जी के लिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मोदी जी, आप फिर से आए हैं। एंड नेक्स्ट ईयर्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रेन। एंड यस, डबल खुशी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी पिक्चर भी फाइनली रिलीज हो गई है। टेंशन दूर, सब खत्म, और प्लीज़ गो एंड वॉच आवर फिल्म। एंड हमने दिल से बनाई है, एंड आई होप एवरीवन लव्स इट। मैं हमेशा कहता हूँ कि वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। ओके, मे बी द टाइम वॉज नॉट राइट एट दैट टाइम, एंड अभी आना था, ये लिखा हुआ था, यू नो, करो करो, कोशिश करो, नहीं होने वाली है। तकलीफें आई, हमने झेल लिया, लेकिन एवरीथिंग वेंट ऑफ स्मूथली। फिर अभी हम यू नो यू सेट बैक एंड सी के मे बी दिस वॉज द राइट टाइम। उनकी जीत हमारी जीत सेम जीत है। टू ईच इज ओन। ओके, आई मीन आई हैव नथिंग टू से, यस इंडस्ट्री आनी चाहिए थी साथ में, लेकिन चलो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा, दे विल कम बैक अगेन। अब आगे रेन करना है, तो आगे देखते रहें क्या होने वाला है। फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी ये जो उसने वोट लगा दिया, मैं देखूंगा कि पिक्चर देखी कि नहीं देखी, बस दैट्स इट, वेटिंग, लेट्स सी क्या वर्ड दिखता है। थैंक यू। ट्वीट पर, हाँ, देखो पहले भी सपोर्ट नहीं था, ओके, अभी नहीं है, मे बी दे वॉच द फिल्म एंड सडनली सपोर्ट आ जाएगा अपने आप। यू नो लाइक आई एम टेलिंग यू, मे बी दे डोंट लाइक अ फ्यू थिंग्स, दैट्स व्हाई आगे नहीं आ रहे, कि वो भी ट्रोल हो जाएंगे, तो दैट्स व्हाई सपोर्ट नहीं था। एंड आई थिंक व्हेन द वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स कि ये पिक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं, आके देखो, दिल से बनाइए पिक्चर, तो मे बी एवरीबॉडी विल चेंज देयर माइंड। द रिएक्शन इज फैंटास्टिक, वेयर वी वर शोन, दे हैव लव्ड इट, एंड बोल रहे थे क्या हो गया था, क्यों बैन कर रहे थे, कुछ बैन करने जैसा है नहीं। So I think, hoping that it will work in our favor. Thank you. Hello, sir. Hello, Papa. Congratulations. Thank you. Congratulations, sir.
सर, बहुत बहुत बधाई हो आशीर्वाद। चलो डन। माय बिगेस्ट सपोर्ट इन द इंडस्ट्री एंड ही इज माय बिगेस्ट सपोर्ट टू। ओके, क्या कहना चाहेंगे आप जर्नी रही है, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट डबल विन में देखा जाए? थैंक यू। एंड सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि द जर्नी ऑफ दिस फिल्म हैज बीन द मोस्ट डिफिकल्ट फिल्म ऑफ माय लाइफ इन लास्ट 18 इयर्स एंड द सरप्राइज विच वॉज ऑलवेज गिवन बाय राहुल गांधी, ममता बनर्जी, राज ठाकरे, आई डोंट नो हु ऑल, एवरीबडी। तो एक महागठबंधन थी बीजेपी के खिलाफ और एक महागठबंधन थी हमारे फिल्म के खिलाफ, और आज पता चल गया कि इस देश के असली हीरो कौन हैं, जिनको अब नहीं रोका जा सकता है, वो दोबारा आ चुके हैं। और राहुल गांधी जो जिस फिल्म में काम कर रहे थे वो फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, और आज बीजेपी की सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र में हुई है और कल हमारी फिल्म। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में मोदी जी आ रहे हैं और वर्ल्ड के 40 सिनेमा घरों में हमारी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी आ रही है। ये फिल्म इसी तरह 10 अप्रैल को मैंने प्रीमियर रखा था, और मुझे याद है कि 10 तारीख को मुझे एक नोटिस आया शाम को 6 बजे, और पुलिस आई और हम सब डर गए और फिल्म को रोक दिया गया। पर वो मेरे लाइफ का सबसे सैड मोमेंट था, जब पीवीआर ने 1300 समोसा मेरे ऑफिस भेज दिया एंड आई वॉज सिटिंग विद 1300 समोसा अलोन एट द डे ऑफ द प्रीमियर ऑन 10th अप्रैल। दैट वॉज द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ दिस फिल्म फॉर मी। वी मेड द फिल्म इन 38 डेज, बट दैट जर्नी ऑफ 38 डेज वॉट लाइक अ 380 डेज ऑफ माई लाइफ। एंड वी शॉट इन गुजरात, वी शॉट इन कच्छ, भुज, बनारस, मुंबई, हर्षिल, ऋषिकेश, देहरादून इन 38 डेज। बट वन थिंग विच आई वॉन्ट टू से दैट दिस फिल्म हैज़ बीन मेड ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ विवेकानंद ओब्रॉय। यस, ही हैज़ बीन मिसअंडरस्टूड इन द इंडस्ट्री, बट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर आई हैव वर्कड विद। द सपोर्ट ऑफ हिम, ऑफ नॉट शोइंग एनी टैंट्रम, नॉट आस्किंग फॉर वैनिटी वैन, नॉट आस्किंग फॉर 5-star hotels, नॉट आस्किंग फॉर स्पॉट बॉयज, वॉट ही डिड वॉज ही कंटिन्यूसली every day from 2 a.m. to 7 a.m. he used to do his makeup, prosthetic, then without eating anything he used to survive on the set only on the sip of water and juices so that his prosthetic doesn't come out. Every day to be with the screenplay writer, to be with the dialogue writer, to be in character, to help me in my production, to sort out the location problem. Thank you Vivek for standing by all of us and making this film in 38 days. It was only because of you. ये शादी कब कर रही है ये सवाल पूछ रहे हैं। शादी कब है संदीप, प्लीज। सवाल ये कि आज आप इस जश्न में भी आप शामिल हुई हैं, आप स्क्रीनिंग में भी आई हैं, सो पहली बात बहुत बड़ा है फिल्म अबाउट द फिल्म और ये जो अरविंद हुआ है इसके बारे में। आई थिंक ये फिल्म का तो अभी, ये फिल्म तो अभी आई है, बट मैं जितना संदीप को जानती हूँ आई थिंक ही इज सच अ हार्ड वर्कर गाय, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, एंड फॉर मी ही इज़ अ इंस्पिरेशन। ही मोटिवेट्स मी टू वर्क हार्ड, ही मोटिवेट्स मी टू डू सो मेनी थिंग्स। सो आई थिंक मैं जो भी यहाँ, अगर यहाँ मैं खड़ी हूँ तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ संदीप समवेयर, नो इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम, एंड आई रियली 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 बिलीव इज टैलेंट। और मुझे याद है कि मैं और संदीप एक दिन ऐसे ही बैठे थे और मैंने इसको बोला, संदीप यू शुड डू योर ओन थिंग, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम दैट ही इज़ डूइंग दिस। एंड जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी से कौन प्यार नहीं करता, सो आई थिंक मैं एक उनकी बहुत बड़ी फॉलोअर, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, एंड आई एम थैंकफुल संदीप दैट आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और हम सबको यहाँ बुलाया है, एंड आई एम श्योर द फिल्म इज गोइंग टू रॉक। इंडस्ट्री से आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिला था और यहाँ पर भी
जी आई थिंक अच्छी फिल्म्स को सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, एक बार वो लग जानी चाहिए, लोगों तक वो पैशन पहुंच जाना चाहिए, वो फिल्म पहुंच जानी चाहिए।